हेलो दोस्तों, मैं आशा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मिस्टर टेक बॉस में, जहाँ आप एंजॉय कर पाएंगे लेटेस्ट टेक अपडेट्स को एकदम आसानी से। तो देखिए इस बात की, लेट्स गो। निकल जा इसको लेके, निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर छटा जा रहा है, निकल। दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो होती रहती है, आए दिन अपग्रेड। और अगर मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो रिसेंटली बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिली है, जो कि स्विवल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी LG के विंग स्मार्टफोन में। तो ये वीडियो में मैं आपको LG विंग के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, कैसा ये फ़ोन है और क्या धमाका ला सकता है ये हमारी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, पहले मैं सब फीचर्स की बात कर लेता हूँ। तो फीचर्स तो खैर सभी फ़ोन्स में जो कॉमन हमको मिलते हैं वो इसमें हैं, बट पहले फीचर्स की अगर बात कर ही लेते हैं तो इसमें जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट 700 सीरीज़ का स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 5G के सपोर्ट के साथ में आता है। अगर दोस्तों मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें 4000 mAh की बहुत ही बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। मैं बड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फ़ोन है वो काफ़ी स्लिम है, उसके हिसाब से बड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि 4000 mAh की बैटरी थोड़ी सी थिक आती है और ये जो फ़ोन है वो काफ़ी स्लिम है, तो इसके हिसाब से मैंने बड़ी बोला। और इसमें बॉक्स में 25W का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से ये फ़ोन को कर देगा चार्ज। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है, 64 MP का प्लस 13 MP प्लस 12 MP। ये जो 13 और 12 MP के कैमरा है वो दोनों ही अल्ट्रा वाइड के लिए काम आते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 32 MP की पॉप सेल्फी है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो मतलब कैमरा के मामले में तो डिजिट्स काफ़ी हाई है, बट परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है, जब भी ये फ़ोन आएगा तो ही हम पता कर पाएंगे। बट दोस्तों, कंपनी क्लेम करती है कि इसका कैमरा है वो काफ़ी प्लस पॉइंट है, मतलब बहुत ही AI वाले इसमें मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं आप वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा। तो ये तो सब मतलब है कॉमन फीचर्स, बट अगर मैं इसकी स्विवल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करूँ, don't you take my way? ये जो फ़ोन है काफ़ी मस्त बन जाता है, मतलब ड्यूअल डिस्प्ले फ़ोन आप बोल सकते हो। इसकी जो फ्रंट डिस्प्ले है वो 6.8 इंचेस की काफ़ी बड़ी सी नॉचलेस सीमलेस डिस्प्ले हम बोल सकते हैं इसको, और जो कि है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, और ये जो डिस्प्ले है वो आपकी प्राइमरी डिस्प्ले होगी। और जैसे ही आप इसको स्विवल करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे पुश करते हैं, तो फ़ोन जो है टी शेप में बन जाएगा ड्यूअल डिस्प्ले के साथ में, और जो मेन स्क्रीन थी 6.8 इंचेस की वो बन जाएगी ऐसे हॉरिजॉन्टल में, जो कि काफ़ी मस्त लुक देती है। और जो नीचे जो छोटी सी स्क्रीन है वो 3.9 इंचेस की स्क्रीन है, उसमें भी आप काफ़ी सारे आपके वर्क कर पाएंगे। और अगर मैं दोस्तों मल्टीटास्किंग की बात करूँ, तो मल्टीटास्किंग तो खैर हम सभी करते हैं, और इनफैक्ट आज के टाइम में तो हम बहुत सारे ऐप्स एक साथ ओपन करते हैं और बैकग्राउंड में चलते ही रहते हैं, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है उस पर्पज़ के लिए। बट दोस्तों, बहुत सारी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो बीच में कॉल आ जाता है, तो आपको इसको रिसीव करना पड़ता है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। बट ये इस फोन में नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो डिस्प्ले हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो GPS ओपन करते हो, मैप्स देखते हो, उसमें कॉल आ गया, वो जो कॉल है वो 3.9 इंचेस की जो छोटी डिस्प्ले है नीचे उसमें आएगा। मतलब आप दो काम एक साथ कर पाएंगे, मैप को भी आप देख पाएंगे और फ़ोन पे भी बात कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन के फीचर मिल जाते हैं, आप जैसा चाहे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई गेम खेलनी है और साथ में चैटिंग भी करनी है, तो वो भी पॉसिबल है। जो हॉरिजॉन्टल बड़ी सी डिस्प्ले है 6.8 इंचेस की, उस पर आप गेम खेल लीजिए, और जो दूसरी 3.9 इंचेस वाली डिस्प्ले है उस पर आप चैट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, जैसा आपकी मर्जी, आप जो चाहे वैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा लगा मुझे ये स्विवल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का। मतलब जैसे
चाहो आप दो डिस्प्ले जिसको भी चाहो जब भी चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो और खास बात मुझे यह लगे कि जैसे ही आप इसको स्विवल करते हैं और टी शेप में आप अपने फ़ोन को ला देंगे तो मेरे ख्याल से ग्रिप बहुत मस्त पकड़ में आ जाएगा आपका ये फ़ोन, मतलब गिरने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि नीचे एक हैंडल टाइप आप मान लीजिए कि वो बन जाएगा और ऊपर का आप जो फ़ोन यूज़ करेंगे वो। और ये मोड बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके कैमरा के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं बैक का और वो ये जो हॉरिजॉन्टल 6.8 वाली डिस्प्ले है उसमें आप यूज़ कर रहे हैं तो नीचे वाले डिस्प्ले उससे आप अपने फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाएंगे। इनफैक्ट दोस्तों इसमें गिम्बल मोड भी है, बट गिम्बल कैमरा अलग से नहीं है, बट ये जो गिम्बल मोड है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर ये फ़ोन में दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आप जैसे भी चाहे अपने फ़ोन को घुमा सकते हैं तो जो स्टेबिलिटी है कैमरा की वीडियो की वो एकदम मस्त रहेगी, आपको बहुत ही स्टेबल सा आउटपुट मिलेगा क्योंकि इसमें नीचे जो जॉयस्टिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप अगर लेफ़्ट साइड घुमाना चाहते हैं बट आपने अपने फ़ोन को स्टेबल ही रखना है वो वीडियो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट घूम जाएगा। ये जो कमाल है वो कैमरा के थ्रू हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ये काम पॉसिबल है। मतलब आप इमेजिन करो आप यहीं खड़े हो बट आप वहाँ का भी देख पाते हो तो काफ़ी अच्छी बात होगी, आप जैसा चाहे अपने कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों इसमें ड्यूअल कैमरा भी एक्टिवेट हो सकता है, मान लीजिए कि आपको अपना रिएक्शन किसी को सेंड करना है कोई भी यहाँ पर वीडियो या तो कुछ देखकर, तो वो भी इसमें पॉसिबल हो सकता है। जैसे आप अपने कैमरा को ऐसे पकड़ेंगे और पॉपअप कैमरा भी यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है और पॉपअप कैमरा से आप अपना रिएक्शन कैप्चर कर सकते हैं जबकि जो रियर कैमरा है उससे आप जो जिसका आप देख रहे हैं वो भी शूट हो सकता है। तो ये भी काफ़ी मस्त बात ली, मतलब मैं तो काफ़ी इंप्रेस हो गया ये फीचर देखकर। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये फीचर आपको कैसा लगा, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि दोनों कैमरा एक साथ एक्टिवेट हो और आप दोनों ही कैमराज के आउटपुट एक ही डिस्प्ले पर देख पाएँ, तो काफ़ी मस्त बात लगी। और अगर मैं इसके रैम की बात करूँ, स्टोरेज की बात करूँ, तो इसमें 8GB की रैम वाला एक ही वेरिएंट अवेलेबल है और जो कि सपोर्ट करता है 256GB की स्टोरेज को। ये एक ही वेरिएंट आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा और कोई वेरिएंट नहीं है, बल्कि इसमें दो कलर्स मिल जाते हैं, एक है ब्लैक और एक है वाइट जो कि स्टैंडर्ड माने जाते हैं। और इनफैक्ट दोस्तों ये जो फ़ोन है वो काफ़ी लाइट वेट है, दो दो डिस्प्ले होने के बावजूद 4000mAh की बैटरी होने के बावजूद भी सिर्फ 260g का ये फ़ोन है, जिसके चलते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप एक हैवी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मतलब सब फीचर्स का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट मुझे ये स्विवल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी काफ़ी मस्त लगी। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है उसको कंपनी ने 200,000 टाइम बोले तो 200,000 बार टेस्ट किया है रोल करके, जिसके चलते कंपनी बोल रही है कि 200,000 टाइम्स से भी ऊपर आप इसको रोल मतलब स्विवल कर पाएंगे। बट दोस्तों नॉर्मली तो हम ऐसे स्टैंडर्ड 6.8 वाले डिस्प्ले ही यूज़ करेंगे, बट इनफैक्ट मैं होता तो मैं तो भाई शो ऑफ के लिए बार बार स्विवल आउट स्विवल इन करता रहता, मुझे तो मज़ा आता वो करने में। खैर ऐसी टेक्नोलॉजी देखने में ही बहुत मज़ा आता है, अभी देखते हैं कि इंडिया में ये फ़ोन कब लॉन्च होता है। हालांकि ग्लोबली ये फ़ोन लॉन्च हो गया बट प्राइस यहाँ पर पता नहीं है क्योंकि इसका सेल अभी तक हुआ नहीं है, तो इसकी फर्स्ट सेल शायद अक्टूबर में होने वाली है। तो अक्टूबर में मुझे जैसे प्राइस पता चल जाएगा मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि इसकी प्राइस कितनी है, और इंडिया में जैसे ही मुझे लॉन्च डेट पता चल गई मैं तभी भी आपको बता दूंगा। तो मुझे जल्दी से बताओ नीचे कमेंट करके कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर आपके पास ये फ़ोन आ जाए तो आप कौन सा फीचर इसका सबसे पहले यूज़ करेंगे, मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल की पहली लैपटॉप अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो ये वाला वीडियो ज़रूर जाके देखना, मैंने यहाँ पर लेनोवो लीजन Y540 की अनबॉक्सिंग की थी, तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी वाली वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, ऐसी वाली जो भी है मतलब ये टाइप की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और मैं जल्दी से मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।